निलंबित प्रधान तुलसीराम कुशवाहा के वीडियो वायरल होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सैंपउ पंचायत समिति से निलंबित प्रधान तुलसीराम कुशवाहा ने सैंपउ सरपंच के पिता व बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पर प्रधानी छीनने के आरोप लगाए थे, जिसमें सैंपउ सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन कुशवाहा, सरपंच ग्राम पंचायत सैंपउ। सभी कुशवाहा समाज के बंधुओं के चरणों में मेरा नमस्कार और आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बंधु, आज शर्म आती है हमारे समाज के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा जी की सोच पर कि जिनके लिए हमने प्रधानी के चुनाव में मैंने व मेरे परिवार ने तन मन धन से जी तोड़ मेहनत करके, हाँ ये बात सही है कि बीएल कुशवाहा जी ने इनकी आर्थिक मदद करके इनके प्रधान बनने में सहयोग किया था, परंतु इस बात को भी आप नहीं नकार सकते कि मैंने और मेरे परिवार ने किस तरह पार्टी का जो सिंबल का पैनल था उसके विरुद्ध जाकर कुछ सदस्यों को अपने अनुसार टिकट दिया था। इस बात के गवाह उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और उन सदस्यों को मैंने और मेरे परिवार ने मेहनत करके जितवाया था और आपको सुपुर्द किया था, जिसके बलबूते पर आप प्रधान बने। और प्रधान जी, आपने और कहें शोभा रानी जी की टीम ने आपके लिए कांटे तो शुरू से ही बो दिए हैं, बबूल के पेड़ बो दिए थे। हमको ये भनक लगी थी कि कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य उप प्रधान बनने की तैयारी कर रहा है। इस पर आपका जवाब ये था कि सरपंच साहब, मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूँ कि उप प्रधान कोई बीजेपी का ही बनेगा, कांग्रेस पार्टी का नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं प्रधान पद से इस्तीफा दे दूंगा। जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि जो बीजेपी की आधिकारिक प्रत्याशी थी उप प्रधान के पद की, जिसको मात्र एक वोट मिला, वो भी उसके स्वयं का, इस पर भी आपका जवाब ये था कि सरपंच साहब, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैंने उसी प्रत्याशी को वोट दिया है। तो ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी को उप प्रधान के पद पर वोट मिलना, ये सब आपका पहले से सुनियोजित षड्यंत्र था, जिससे आपने हम जैसे लोगों को साथ छल किया, हमको धोखे में रखा। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बात आती है प्रधान जी, आपने कितनी बेशर्मी से ये आरोप लगा दिया कि साहब सैंपू के सरपंच साहब ने मिलकर जसवंत सिंह के साथ मिलकर मेरी प्रधानी छीन ली, जिसके सदमे में मेरा छोटा भाई जमुना जो है उसकी मौत हो गई। देखिए, सदमा इस तरह किसी का नहीं मान सकते। हमें भी जमुना लाल जी के जाने का बेहद दुख है, क्योंकि आप मेरे समाज के साथ साथ मेरे रिश्तेदार भी हो, हमें भी उनका बहुत दुख है। परंतु प्रधान जी, प्रधानी केवल या सरपंची या कोई भी राजनीतिक पद केवल और केवल 5 साल के लिए होता है। 5 साल बाद स्वतः ही उसको जाना होता है, तो क्या इस बात का सदमा किसी को लगता है? खैर, जो भी है, ये आपकी सोच है, इसमें हम तो क्या ही कह सकते हैं। परंतु हमने कितनी बार आपकी आर्थिक मदद की, ये बातें कहने की नहीं हैं, लेकिन आपने गुंजाइश छोड़ी नहीं। प्रधान होने के बाद आप पर हमें आर्थिक संकट महसूस हुआ था, जिस पर मैंने सरपंचों से आग्रह करके उनके घर घर जाकर कुछ आर्थिक मदद उनसे कलेक्ट करके आपको सौंपी थी कि आप अपना डायलिसिस करा सकें। ऐसी मदद हमने कई बार आपके लिए की है, मेरे परिवार ने आपके लिए की है। मैं मानता हूं उनका एहसान आप नहीं चुका सकते, परंतु आपने सारे संबंध, सारी रिश्तेदारी, सारी भाईबंदी 2 मिनट में समाप्त कर दी। प्रधान जी, राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग होती हैं। गत विधानसभा चुनाव में मैंने और मेरे परिवार ने बसपा के प्रत्याशी का साथ दिया। आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग थी, इसलिए आपने भाजपा के प्रत्याशी का साथ दिया।
परंतु ऐसी क्या बात हो गई कि जिससे आपने हमसे मनमुटाव समझ लिया या हमको दरकिनार कर दिया? खैर, उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब ये एक मानव शैली है प्रधान जी, कि जिस तरह आपको ये लगता है कि मेरे साथ ये जो किया है सैंपू सरपंच साहब ने किया है, तो ये मानव शैली का ये स्वभाव है कि आपने भी मेरा जो बुरा चाहा, बुरा करने की कोशिश की, वो आप कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार जब फरवरी 2023 में, सॉरी फरवरी 2022 में मैं जनता द्वारा निर्वाचित सरपंच, जिसके वित्तीय अधिकार माननीय पूर्व विधायक के प्रभाव में आकर तत्कालीन विकास अधिकारी अनूप सिंह जी द्वारा छीन लिए थे, सारे निर्माण कार्य, सारे विकास कार्य, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के कार्य उन्होंने कमेटी गठित करके कराए थे। उस समय क्या आपने मेरे से एक बार भी पूछा कि सरपंच साहब आपको कोई समस्या है, आपकी समस्या में आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आपने एक बार भी चेष्टा की? मैंने उस बात का भी बुरा नहीं माना, क्योंकि आप असहाय थे शारीरिक रूप से, तो मैंने ये समझा कि आप तत्कालीन विधायक, पूर्व विधायक के प्रभाव में हैं, इसलिए आप मेरी मदद नहीं करना चाह रहे। तो जो मेरे साथ गलत अनूप सिंह जी ने किया, मेरा समय आने पर या मेरी जगह कोई और भी होता, आप ही होते, और आपका समय आने पर क्या आप अनूप जी का बुरा नहीं चाहते? जैसा मानव स्वभाव है, मैंने अनूप जी की भरपूर कोशिश की कि मैं इनका कितना नुकसान कर सकता हूँ। वो जो लेटर पैड आप ग्रुप पर शेयर कर रहे थे बसपा विधायक जसवंत सिंह जी के, वो लेटर पैड मेरे द्वारा ही लिखे गए थे, क्योंकि उनमें पूर्णतः तत्कालीन विकास अधिकारी अनूप सिंह जी की शिकायत थी, जिससे मैं तकरीबन 1 साल पीड़ित रहा। मेरे जो अधिकार थे उन पर कुठाराघात किया, तो मैंने उनका विरोध किया, मैंने उनकी शिकायत की। ये बात बिल्कुल सही है, और मेरी जगह आप भी होते तो आप भी यही करते हैं। तो श्रीमान, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसके फलस्वरूप ये हुआ कि अनूप जी का ट्रांसफर बाड़मेर भी हुआ, अनूप जी को निलंबित भी किया गया। इन सब चीजों में आप दोषी थे या नहीं थे, ये मुझे बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल नकारता हूं, क्योंकि आपने एक बार भी मुझे या मेरे परिवार को ये बताने की चेष्टा नहीं की कि सरपंच साहब हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नाम हो सकता है। तो शायद मैं प्रयास करता कि वो शिकायत मैं ना करता, फिर भी मैंने वो मई में उस शिकायत को करना छोड़ दिया, जिसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टेक ओवर करके उसको आगे किया गया। तो मानव स्वभाव के चलते मैंने अनूप जी का जितना बुरा चाहा मैंने करने की कोशिश की उस शिकायत के माध्यम से। उस लेटर पैड में अगर आपका कहीं भी नाम हो तो आप मुझे बताएं कि मैंने आपकी शिकायत की, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हैं। मैं आपका भला करने की तो सोच सकता हूँ, लेकिन बुरा कदापि नहीं सोच सकता। ये केवल आपने अपनी अंतरात्मा में बिठा लिया किसी दूसरे के कहने से। ये जो आपने कल एक वीडियो जारी करके जो मेरे पिताजी पर आरोप लगाए या मुझ पर जो आरोप लगाए, उसके पीछे कौन है ये मैं भली भांति जानता हूँ। कौन आपसे करवा रहा है? क्योंकि वीडियो में जिस तरह की आपकी घबराहट मुझे दिख रही थी, जिस तरह से आपका शरीर कांप रहा था, तो वो आपके मन के बोल तो नहीं थे। आपने किसके दबाव में आकर कहा ये भी मैं जानता हूँ। क्योंकि आज हमारी विधायिका शोभा रानी जी ने भी एक फेसबुक के माध्यम से एक प्रतिक्रिया जारी की है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, देखो, समाज के लिए संघर्ष करना एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जो समाज के लिए संघर्ष करता है। आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुलसीराम जी कर रहे हैं, रामेश जी कर रहे हैं, जो भी समाज के वरिष्ठ जन हैं, अगर वो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वो सौभाग्यशाली हैं। परंतु राजनीति के विषय में अगर बात करें तो राजनीति किसी एक समाज से नहीं की जा सकती। एक समाज में लेकर रहकर आप राजनीति नहीं कर सकते, सभी समाजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। समाज के संघर्षों के योगदान के बारे में मैं आपको क्या कहूँ? मेरे संघर्ष या मेरे पिताजी के संघर्ष या आपके संघर्ष समाज के लिए, समाज के उत्थान में
किसका कितना योगदान है ये समाज भली भांति जानती है। एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं नहीं शेयर करना चाहता, परंतु मजबूरी है क्योंकि हमारी समाज भोली है, किसी को भी कुछ किसी भी चीज को सत्य मान लेती है, परंतु सत्यता वास्तविक में क्या सत्यता है ये उन तक नहीं पहुंच पाती। जब मेरे वित्तीय अधिकार छीन लिए गए थे तो मैं मेरे बड़े भाई साहब मदद मांगने के लिए विधायिका शोभा रानी जी के यहाँ गए थे। उन्होंने स्पष्ट तय मना कर दिया था कि सरपंच साहब हम आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, स्पष्ट तय। फिर भी कुछ समाज के लोगों ने जबरदस्ती करके मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के यहाँ ले गए कि चलो हम आपकी वहां से मदद करवाएंगे, हम आपकी वहां से मदद करवाएंगे, आपके पावर द्वारा दिलवाएंगे। बंधु मेरे खिलाफ उस प्रकरण में मुझे इतना डिमोलाइज करने की कोशिश की गई थी कि मेरे खिलाफ तीन तीन चार चार FIR तक दर्ज कराई गई थी। इस तरह का षड्यंत्र मेरे खिलाफ उस वक्त किया गया था। उस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेरे समाज की थी, मेरे समाज के सरपंच बंधु वरिष्ठ जनों की थी, परंतु मेरे साथ कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण रहे ये तो मैं नहीं जानता, फिर भी मैं लड़ा और मैं जीता भी। जब कुछ लोग मुझे मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले गए, 10-12 लोग थे, जरूरत आने पर मैं उनके नाम बता दूंगा आपको, तो उनके जो OSD थे मुख्यमंत्री जी के, श्री देवाराम सैनी जी, उन्होंने मेरे से क्या कहा था कि साहब आप 2 MLA से लड़ रहे हो, मलिंगा से तो आप लड़ी लड़ रहे हो, शोभा रानी जी भी आपकी बुराई करती हैं, शोभा रानी जी भी ये कहती हैं कि आप इनकी मदद ना करें, ये अच्छे व्यक्ति नहीं है। तो मैं भी उसी समाज से हूँ जिस समाज से आप आती हैं, मैं आपके यहाँ मदद मांगने गया था, चलो आपने मना कर दी, लेकिन इस स्तर पर मना करने की क्या आवश्यकता थी। चलो ठीक है, आपको मैं मुझे टारगेट करने में या मुझे डिमोलाइज करने में क्या उद्देश्य हो सकता है या क्या आपके लालच हो सकते हैं या क्या कारण हो सकते हैं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इस तरह के जो आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। देखो हम FIR सामान्य तरह FIR जो करते हैं उसमें अनाप शनाप धाराओं में FIR की जाती है, परंतु जिस तरह एक IO इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट तैयार करता है उसमें मैक्सिमम केसों में अगर झूठा होता है तो उनमें FIR दे दी जाती है, और या फिर जो वास्तविक दोष होते हैं उनके चार्ज लगते हैं। ठीक उसी प्रकार तुलसीराम जी आपने आरोप तो लगा दिए, परंतु इसके पीछे आपने एनालिसिस नहीं किया कि इसमें कितनी सत्यता है या कितनी नहीं है। आप अगर दोषी नहीं हो तो आप सरकार से गुहार लगाएं या कोर्ट की शरण लें कि साहब मेरे साथ गलत हुआ है। अब आप दोषी हो कि नहीं हो ये तो मुझे नहीं पता, जांच का विषय है, जांच में आपको दोषी पाया है जिसके कारण आपको निलंबित किया गया है, इसका हमें बेहद दुख है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की हरकतों से आप समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ जो तुलसीराम से कहलवा रही हैं इन सब चीजों को। तो समाज इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपकी बातों में आकर समाज का ध्रुवीकरण करने लग जाए। और मेरा एक निवेदन है कि आप जितनी ताकत मुझे डिमोलाइज करने में लगा रहे हो, मुझे नीचा दिखाने में लगा रहे हो, उसका ये मैं सभी उन लोगों से कह रहा हूँ जो मेरे खिलाफ आए दिन ये षड्यंत्र करते रहते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र हैं, राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। इस तरह के जो षड्यंत्र आप कर रहे हो, मुझे डिमोलाइज करने में जो ताकत लगा रहे हो, उसका 10% भी आप अपनी कमी सुधारने में लगाएं तो हो सकता है कि हालात बहुत ज्यादा सुधर जाएं, आपको मुझे डिमोलाइज करने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।